मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना के लिए तमाम रिसर्च की जा रही है। इस रिसर्च में अब नया नाम जुड़ा है भारत का। भारत दुनिया के उन 5 चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो मंगल ग्रह के रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल ग्रह के अनगिनत राज, क्या उठेगा उनसे पर्दा? मंगल की हर जानकारी क्या होगी भारत के पास? जी हाँ, भारत अपना एक नया सपना साकार करने के लिए 5 नवंबर को मंगल ग्रह पर अपना यान रवाना कर रहा है। 3 साल पहले भारत ने मिशन मंगल शुरू किया। इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह पर जीवन टटोलने के अलावा उस पर मौजूद हर बारीक जानकारी इकट्ठा करना है। मंगल यान को 3 चरणों में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भेजने की तैयारी की गई है। मंगल यान छोड़े जाने के बाद सबसे पहले ये यान 4 हफ्ते तक पृथ्वी के 6 चक्कर लगाएगा। इस दौरान इस यान की गति और दिशा बदलेगी। 7वीं बार ये यान अपनी गति को बढ़ाते हुए अपना रास्ता बदलकर मंगल ग्रह के रास्ते में चला जाएगा। इसके बाद ये यान 300 दिनों की दूरी तय कर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा। वहां ये यान लगभग 160 दिनों तक रहेगा और ये संभावना तलाशने की कोशिश करेगा कि क्या वहां कभी जीवन था या फिर भविष्य में क्या वहां जीवन संभव है। मंगल ग्रह के ऑर्बिट पर यान को पहुंचाने के लिए देश के प्रतिष्ठित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष यान का वजन 1350 किलोग्राम है। अहम बात ये भी है कि पूरे अभियान की कीमत महज 450 करोड़ रुपए है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम साउथ पैसिफिक सी में 2 भारतीय जहाज SCI यमुना और SCI नालंदा पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नासा का स्पेस नेटवर्क भी भारत को इस मिशन में मदद देगा। इसरो का अगर ये अभियान सफल रहा तो मंगल यान को मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचने में लगभग 300 दिनों का समय लगेगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस स्तर तक अधिकतर मंगल अभियान पहुंचने में नाकाम रहे हैं। जाहिर है इसरो के सामने सफलता से पहले एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन नईम के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।